हेलो लवली पीपल, दिस इज़ राजवीर एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज दूसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं कैलाशपुरी, जहाँ पे एक लिंग जी महादेव का मंदिर है और कैलाशपुरी ही बोलते हैं उस जगह को वैसे तो, पर महादेव का नाम वहाँ पे एक लिंग जी है जो कि मेवाड़ के राजा है। लेट्स गो। गौ माता आगे क्यों आता। दिस इज़ अरावली माउंटेन रेंज जो कि बहुत बड़ी है, पूरे पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ों में ही बाइक चलेगी अब और बहुत मज़ा आने वाला है। कीप वॉचिंग। 360 व्यू ऑफ पहाड़ी पहाड़, और पहाड़ों में राइड करने का मज़ा ही अलग है। हम बचपन से पहाड़ों में ही जाते हैं राइड करने, बाइक का काम हुआ नहीं अभी शोरूम खुलेगा तो लेट खुलेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले एक लिंग जी के चलते हैं और फिर वापस आके बाइक का काम करवाएंगे। हर हर महादेव। ये है छोटी सी टनल, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, चारों ओर पहाड़ों को काट के बनाई हुई है। विजिट द स्मार्ट सिटी ऑफ लेक अगेन। थ्री किलोमीटर्स बाद हमको टर्न लेना है, मे भी एक और टनल नहीं पार करेंगे हम। और ये नाथू द्वारा जा रहा है ये आगे, और इधर हम टर्न ले रहे हैं कैलाशपुरी एकलिंग जी के। सो गाइस, ये है बागेरा लेक, चाय हमने पी ली है इसके किनारे पे ही। बागेरा लेक, बागेरा तालाब बोलते हैं इसको, और ये 2800 साल पुराना तालाब है। और एक भैया मिल गए अभी होटल वाले जो पूरी हिस्ट्री बताई यहाँ की कैसे क्या हुआ। और ये कैलाशपुरी ही गांव का नाम है इसका कैलाशपुरी, और यहीं पे है एक लिंग नाथ का मंदिर, बहुत ही प्यारी जगह है। तो ये आ गई कैलाशपुरी और ये आ गया महादेव का मंदिर, बस थोड़े से दूर है हमसे महादेव। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। वो रहा एकलिंग नाथ का मंदिर सामने सामने। तो बाइक को कहीं पार्क करते हैं फिर देखते हैं, मंदिर अभी खुला तो नहीं है, भीड़ पड़ रही है बाहर, लाइन लग रही है और पहले बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पे। तो चलो पहले आगे लेक पे चल के आते हैं, फिर मंदिर खुल जाएगा तब तक थोड़ी भीड़ भी कम हो जाएगी तो फिर अंदर चलेंगे। वैसे अंदर मेरे को बोला है उन्होंने कैमरा अलाउ नहीं करेंगे। ये मंदिर बना है 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। बाइक को ऊपर इस लेके चलेंगे, पहले से पत्थर के रोड हुआ करते थे। व्हाट्स अप पीपल, हम आ गए हैं अब कैलाशपुरी के इंद्र सरोवर, जिसका नाम है इंद्र सरोवर लेक है एक, और आपको अंदर से बताते हैं। बाइक वहाँ पे हमने पार्क कर दी है और चलते हैं ऊपर। दिस इज इंद्र सरोवर। ये सारे मंदिर भी है, नाव पड़ी है अंदर। और इसको हरिद्वार का चौथा घाट भी बोला जाता है, यहाँ पे जो हरिद्वार में जो चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे भी होती है। और ये इंद्र को किसी ने श्राप दिया था और उनको कोड हो गया था, और उनका कोड यहीं पे तपस्या की थी उन्होंने, और फिर ये लेक बनी, ये सरोवर बना, जिसमें फिर उनका वो कोड मिटा, उनका श्राप ख़त्म हुआ, और इसीलिए इसको हरिद्वार का चौथा घाट बोला जाता है। लोग यहाँ पर अस्थियाँ भी विसर्जन करने आते हैं। अब चलते हैं हम उधर, अभी मंदिर खुला नहीं है, मंदिर के दर्शन करते हैं महादेव के, और अभी फ़िलहाल सरोवर बताते हैं आपको।
जिसके नीचे ही है। सो गाइस आ गए हम एकलिंग जी के मंदिर पर और अब देखते हैं अंदर कैमरा अलाउ करते हैं या नहीं। और यह रहा मंदिर, दिस इज एकलिंगनाथ टेम्पल। और हम साइड में है, मेरे पीछे है मंदिर, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो आपको मिलते हैं, दर्शन कर लूँ मैं फिर। ये है यहाँ की टाइमिंग मंदिर खुलने का और कब तक खुलता है, कितने बजे। दिस इज़ मेन गेट और अब अंदर चलेंगे, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो हमको बाहर ही रख के जाना पड़ेगा कैमरा। सो गाइस हो गया दर्शन और अब हम चलते हैं बघेरा तालाब पर और अंदर कैमरा अलाउ नहीं किया। बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर है, पूरे 108 मंदिर है जिसमें से 76 यहीं पर अंदर ही है, पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं किया। वैसे मैं फुटेज कहीं ना कहीं से अरेंज करके अटैच कर दूंगा मैं। और चलते हैं हम बघेरा तालाब पर। दिस इज बघेरा तालाब, यहाँ पे वापस आते हैं टाइम रुकेंगे हम। बहुत ही प्यारी जगह है, पहाड़ों में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पे भी कमल के फूल बहुत सारे हैं इस तालाब पर भी। और पूरा गांव था यहाँ पे नागदा, जहाँ पे नागदा ब्राह्मण रहते थे, वो पूरा तालाब के अंदर समा गया। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, थोड़ा बहुत खंडित हो गया है, मुग़लों ने हर जगह मंदिर तोड़ दिए हमारे, बाकी सारे मंदिर आज होते तो आज।
सो गाइस अब चलते हैं हम बाहर, बैटरी चेंज कर लेते हैं कैमरे की, GoPro की बैटरी डेड होने को है, और पानी वगैरह पी लेते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं आगे। सो हेलो गाइस, दिस इज बागेरा लेक, जिसको बागेरा तालाब भी बोला जाता है। और सुबह हमने चाय पी थी, आज दो लोग तो बहुत ही अच्छे मिले। अभी जहाँ पे बाइक रखी थी हमने पार्किंग वाला, उसने भी पार्किंग के पैसे नहीं लिए हमसे, और सुबह यहाँ पे चाय पी थी तो इनको पता चला कि चित्तौड़गढ़ से आया हूँ मैं, तो इन्होंने भी चाय के पैसे नहीं लिए मेरे से, और बहुत अच्छे भी है। अभी तो कहीं गए हुए हैं और एक बार और चाय पी लेते हैं, सुबह नहीं लिए पर अभी देंगे इनको। ये वाले होटल कभी भी आओ तो यहाँ रुकना। चुके हैं हम कैलाशपुरी से और अब चलते हैं उदयपुर, और शोरूम पे चलते हैं। सबसे पहले तो बाइक का काम करवा देते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं, कहाँ चलते हैं नहीं चलते हैं। और पहले सबसे पहले कुछ उदयपुर जाके कुछ खाना पड़ेगा, भूख बहुत जोरों से लग रही है। मिलते हैं आपको आगे हाईवे पे पहुँच कर। सो गाइस, एक टर्न गलत ले लिया हमने, अब अपने को थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। शोरूम के पास में आके दूर चले गए हम, 270 meters और है। बाइक को चेक करवा देते हैं सबसे पहले, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। आज तो खुला है, खुला है, खुला है, बाइक खुला है, कल तो बंद था आज खुला है। ये है एचडीवा शोरूम। सो गाइज, अब पहुंचा हूं मैं रूम पर, होटल पर। सब गड़बड़ हो गई, बाइक ख़राब हो गई, बाइक का आगे वाला ब्रेक बिल्कुल ख़राब हो गया, चेक करवाने गया तो। और अब बोला है कंपनी वालों ने कि आगे से अप्रूवल मिलेगी तो नया ब्रेक डालेंगे। अब ब्रेक का पूरा सिस्टम ख़राब हो गया, और अप्रूवल क्या पता कल मिले परसों मिले, बाइक वहीं छोड़नी पड़ी मेरे को। रेपिडो करके आया हूँ रूम पर और बहुत थक गया हूँ, और मे भी कल मिल सकती है बाइक या परसों मिलेगी। और मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल सभी को।